Hey, what's up guys? This is Kim and I am back with new videos. So guys, आज की वीडियो होने वाला है Edit Kings Competition 2. Actually, इससे पहले भी एक Competition 1 हो चुका है, ये Competition 2 है. Actually, इसमें करना क्या होता है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी फॉरेनर पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको अपनी बेस्ट पिक मुझे मेल करनी होती है. उस सभी मेल में से मैं टॉप 10 पिक सेलेक्ट करता हूँ और उनका मैं रिव्यू करता हूँ. तो आज की वीडियो में टॉप 10 पिक्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ Edit Kings Competition 2 का. और टॉप 10 पिक्स में टॉप 3 पीस में ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जिनमें कोई भी कमी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है, और उनको इंस्टाग्राम पे शाउट आउट मिलता है जिससे उनका पेज ग्रो हो सके, उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके. और इस बार मैंने एक प्राइस ये भी रखा है कि जो भी टॉप 1 पर होगा उसको मैं एक पैकेज दूंगा, बैकग्राउंड PNG फोटोशॉप ब्रश बहुत कुछ मिलने वाला उसको पैकेज में. तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपको पता चलेगा कि आपकी फोटो में जो कमियां होती है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप भी फोटो एडिटिंग करते हो और आपको फोटो एडिटिंग इम्प्रूव करनी हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट द कंपटीशन. सो गाइस स्टार्ट करते हैं Edit Kings Competition 2. तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं टॉप 10 का. टॉप 10 पर है शुभम. सो ब्रो आपने काफी अच्छी एडिट की है. तो सबसे पहले मैं आपको कमी बताता हूँ. कमी क्या है, यहाँ पर आपको शेडो ऐड करना चाहिए था, बस थोड़ा सी शेडो की कमी लग रही है और पीछे आप देखते हो बैकग्राउंड में ज्यादा हाइलाइट्स आ रही है. सो आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर जो PNG ऐड किया आपने बर्ड्स की, यहाँ पर बर्ड्स पर भी आपको थोड़ी सी हाईलाइट ऐड करनी चाहिए थी और अपनी बॉडी पे भी थोड़ी सी हाईलाइट ऐड करनी चाहिए थी, फिर आपकी पिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. आपने अपनी फोटो को अच्छे से कटआउट किया है, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा सिलेक्ट किया है, कोई भी कमी नहीं लगी है मेरे को, और बस थोड़ा सा शेडो और हाईलाइट ऐड करनी है, फिर आपकी फोटो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. सो गाइस अब करते हैं टॉप 9 का रिव्यू. टॉप 9 पर है, इनका नाम है राज. सो ब्रो आपने काफी अच्छी एडिट की, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा मेरे को, और जो आपने रिम लाइट ऐड की वो भी बिल्कुल परफेक्ट है. अब जो कमी लगी वो मैं बताता हूँ आपको. कमी ये कि आप आपको शेडो ऐड करनी चाहिए थी, थोड़ी सी शेडो ऐड करनी चाहिए थी, और जो ये PNG आपने ऐड की है वुल्फ वाली, यहाँ पर भी आपको रिम लाइट ऐड करनी चाहिए थी. ऐसा नहीं है कि आप अपनी फोटो में रिम लाइट ऐड करो और जो PNG आप ऐड कर रहे हो पास में अपने आस पास, उनमें भी आपको रिम लाइट ऐड करना चाहिए, तभी वो फोटो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और बैकग्राउंड से मैच होगी. सो आप यहाँ पर शेडो ऐड करना और जो भी वुल्फ आपने ऐड की है यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी रिम लाइट ऐड करनी है, फिर आपकी फोटो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. सो गाइस अब रिव्यू करते हैं टॉप 8 का. टॉप 8 पर है शेर सिंह. सो इस ब्रो का नाम है शेर सिंह. सो ब्रो सबसे पहले मैं आपको कमी बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसमें क्या अच्छा लगा मेरे को. जो कमी ये है कि आपने जो बैकग्राउंड मॉडिफाई किया है, आई नो आपने 3 या 4 पिक्स को मिला के एक बैकग्राउंड बनाया है, बिकॉज ये बैकग्राउंड आप डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा. तो आपने बैकग्राउंड को बनाया है, काफी अच्छे से बनाया है बैकग्राउंड को, बट यहाँ पर आपने देख सकते हो यहाँ पर S दिख रही है, मत पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर यहाँ पर जो आगे वाला बैकग्राउंड आपने बनाया है ऐड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो S दिख रही है. तो आपको इसको भी अच्छे से कटआउट करना चाहिए था, तभी ये वाला बैकग्राउंड पीछे वाले बैकग्राउंड से मैच होता अच्छे से. और आपको यहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स भी ऐड करनी चाहिए. आपने क्या किया है, डायरेक्ट आपने बैकग्राउंड को ऐड कर दिया है, ना आपने शेडो ऐड की है, ना आपने हाईलाइट ऐड की है, और ना ही आपने फोटो को अच्छे से कटआउट किया, बस आपने बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर दिया जल्दी जल्दी में. सो ब्रो आप हाईलाइट का ध्यान दो, शेडो का ध्यान दो, फोटो को अच्छे से कटआउट पर ध्यान दो. तो जो कमी मैंने बताई उनको आप अगर इम्प्रूव करोगे तो ये आपकी पिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. सो गाइस अब रिव्यू करते हैं टॉप 7 का. टॉप 7 पर है राहुल कुमार. ब्रो सबसे पहले मैं आपको कमी बताता हूँ. कमी ये लगी मेरे को इस पिक्स में, बस यहाँ पर जो लैपटॉप आपने ऐड किया है यहाँ पर आपको थोड़ी सी शेडो ऐड करनी चाहिए थी, और थोड़ा सा लैपटॉप को कटआउट पे ध्यान देना चाहिए था. मतलब आपने लैपटॉप को डायरेक्ट ऐड करा है, आपको यहाँ पर लैपटॉप को शेडो ऐड करनी चाहिए थी, लैपटॉप को थोड़ा सा डार्क करना चाहिए था. बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेबल दिख रही है आपको, यहाँ ये भी थोड़ी सी डार्क है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करना चाहिए था, जिससे लैपटॉप आपकी टेबल से मैच हो जाता और थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता आई थिंक. सो आपको थोड़ा सा शेडो ऐड पे ध्यान देना चाहिए था, और जो थोड़ा सा ग्लो ऐड करना, और थोड़ी सी लैपटॉप को थोड़ा सा
डार्क करना, फिर देखना ये जो पिक है बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो गाइस जब रिव्यू करते हैं टॉप सिक्स का, टॉप सिक्स पर है इसका नाम है प्रियम। सो ब्रो पिक काफी अच्छी है और लाइट्स भी काफी अच्छी है, कमी बस ये है तो शेडो ऐड किए ना वो थोड़ी सी और अच्छे से रियलिस्टिक वाली ऐड करनी चाहिए थी आपको, और अपनी फोटो को थोड़ा से और अच्छे से कटआउट करना चाहिए थी। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फोटो में एस दिख रहे हैं आप थोड़े से, बिल्कुल हल्के से, ज्यादा भी नहीं, पिक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा शेडो बिल्कुल अच्छे से ऐड करना चाहिए था, थोड़ा रियलिस्टिक वाला फील लाना चाहिए था, और बाकी जो लाइट्स वगैरह बिल्कुल एकदम परफेक्ट पिक है, बस थोड़ा सा शेडो पे ध्यान दो और थोड़ा सा कटआउट पे ध्यान दो, बाकी कोई भी कमी नहीं लगी मेरे को। किपिटा ब्रो गुड जॉब। सो गाइस जब रिव्यू करते हैं टॉप फाइव का, टॉप फाइव पर करण, इस ब्रो का नाम है करण। सो ब्रो पिक काफी अच्छी लगी मेरे को, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और बैकग्राउंड से जो अपनी फोटो को मैच किया है आपने वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं लगी है, कलर ग्रेड भी बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल क्लीन फोटो लग रही है मतलब मेरे को। सो कोई कमी नहीं लगी मेरे को ब्रो, कीप इट अप गुड जॉब। सो गाइस जब रिव्यू करते हैं टॉप फोर का, टॉप फोर पर एक ब्रो का नाम है आर्यन। सो ब्रो सबसे पहले बताना चाहूंगा जो रिम लाइट आपने ऐड की ना, ये वाली रिम लाइट नेक्स्ट लेवल ऐड की, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एंड प्रोफेशनल रिम लाइट ऐड की है ब्रो आपने, एकदम परफेक्ट, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, फोटो को कटआउट भी काफी अच्छे से किया, रिम लाइट भी काफी अच्छे से किया, एकदम परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं लगी मेरे को ब्रो, गुड जॉब, कीप इट अप, ऐसे ही पोस्ट डालते रहो, ऐसे ही करते रहो, आई एम श्योर आप बहुत आगे जाने वाले हो, सो बस ऐसे पोस्ट डालते रहो, कीप इट अप। सो गाइस जब रिव्यू करते हैं टॉप थ्री का, टॉप थ्री पर है इस ब्रो का नाम है एचके एडिट। सो ब्रो पिक काफी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, सबसे पहले बता देता हूँ बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लगी मेरे को, और जो रिम लाइट ऐड की आपने, हाईलाइट ऐड की, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब लाइट्स वगैरह बैकग्राउंड है, कलर ग्रेड भी काफी अच्छे से किया है, रिटचिंग भी काफी अच्छे से लग रही, डिटेलिंग वाली रिटचिंग लग रही मेरे को, जो परफेक्ट है बिल्कुल पिक, कोई कमी नहीं लगी मेरे को अभी तक तो इसमें, और ऐसे पोस्ट डालते रहो बहुत आगे जाने वाले ब्रो, कीप इट अप गुड जॉब, कोई कमी नहीं है, गुड जॉब। सो गाइस जब रिव्यू करते हैं टॉप टू का, टॉप टू पर है इस ब्रो का नाम है कृष्णा। सो ब्रो पिक काफी अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है, कमी तो अभी तक मेरे को कोई नहीं, कुछ भी नहीं कमी नहीं करनी है मेरे को अभी, बैकग्राउंड जो मॉडिफाई किया है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, रिम लाइट जो ऐड की है ना ब्रो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, कोई कमी नहीं है, गुड जॉब, कीप इट अप, ऐसे ही पोस्ट डालते रहो। सो गाइस जब फाइनली रिव्यू करते हैं टॉप वन का, टॉप वन पर है ये, इस ब्रो का नाम है जे आर एडिट। सो ब्रो पिक काफी अच्छी लगी, बिल्कुल परफेक्ट लगी मेरे को आपकी पिक, कमी भी कोई नजर नहीं है इसमें, ड्रीम लाइट हाईलाइट जो भी आपने ऐड की है, जो भी बैकग्राउंड आपने बनाया है मॉडिफाई किया है, जो भी पीएनजी ऐड किए जो आपने, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही, कोई भी कमी नहीं लगी मेरे को अभी तक तो इसमें, सो बिल्कुल परफेक्ट है, गुड जॉब, कीप इट अप एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टॉप वन, और आपको इंस्टाग्राम पे शाउट आउट मिल जाएगा, और जैसा मैंने बताया था कि आपको जो टॉप वन पर आएगा उसको मैं पैकेज दूंगा जिसमें बैकग्राउंड होंगे, पीएनजी होंगे और भी बहुत सारी चीजें होगी जो आपकी बहुत काम आएगी, सो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, गुड जॉब, कीप इट अप।